हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रोन। मैं हूं समरीन और आज हम हैं बीएसएफ के हेडक्वार्टर्स में। यहां हमारे साथ है बीएसएफ की ऑल वुमेन बाइक टीम सीमा भवानी। ये टीम एक नए एक्सपेडिशन पे जाने वाली है जो कि दिल्ली से शुरू होगी और चेन्नई के रॉयल एनफील्ड प्लांट पे ख़त्म होगी। तो आज हम यहाँ इन लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज दिस एक्सपेडिशन ऑल अबाउट। तो चलिए पता करते हैं एवरीथिंग इन डिटेल। हमारे साथ है रॉयल एनफील्ड से अनुज दुआ, हु इज द ग्लोबल ब्रांड हेड फॉर क्लासिक्स, और साथ ही हिमांशी सुरोही, हु इज द इंस्पेक्टर इन द बीएसएफ। सो हिमांशी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप हमें इस एक्सपेडिशन के बारे में कुछ डिटेल में बताएं, लाइक व्हाट इज ऑल अबाउट। बेसिकली ये जो एक्सपेडिशन हम कर रहे हैं, ये अपनी तरीके का एक पहला एक्सपेडिशन है। फर्स्टली रॉयल एनफील्ड के साथ हमारा कोलेबोरेशन है, और सेकेंडली पैरामिलिट्री में, आज पैरामिलिट्री और इवन आर्मी, किसी भी आर्म फोर्स में ऐसा एक्सपेडिशन नहीं हुआ है जिसमें कि सिर्फ महिलाएं एक पॉइंट से स्टार्ट करें और 5000 किलोमीटर का एक रूट तय करें। तो ये अपनी तरीके का एक अनोखा एक्सपेडिशन है जिसमें आप देखेंगे कि महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं, महिलाएं चला रही हैं विदाउट एनी मेल, उसमें मेल का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, क्योंकि हम इसको 8 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा मोटो यही है कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है हम उसको देश में दर्शा सकें। अलग अलग जगह पे हम जाएंगे, बेसिकली रूरल एरिया में जाएंगे जहाँ पे औरतें घूंघट में रहती हैं, घर से बाहर नहीं निकलती हैं। जो ससुराल में अगर जाती हैं तो उसको बोला जाता है नहीं आप बाहर के किसी लोग से इंटरेक्शन मत कीजिए, बट हमारी लड़कियाँ जगह जगह जाएंगी, इंटरेक्शन भी करेंगी और लोगों को ये मैसेज देंगे कि आप किसी के भी मार्ग में जो आपका रास्ता है उसमें बाधा मत डालिए। अगर आप बाधा नहीं डालेंगे तो लड़कियां या उनकी बेटियां वो कर सकती हैं जो वो करना चाहती हैं, और साथ ही उनका भी नाम, माँ बाप का नाम, अपने देश का, प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। हमारी यही मनोकामना है और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ये जो एक्सपेडिशन है ये कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ ख़त्म होगा, ये आप हमें थोड़ा बता सकते हैं? जी बिल्कुल, ये दिल्ली से स्टार्ट होगा और ये इंडिया, जो हमारा पाकिस्तान का एक्सेस है, उसके थ्रू चलते हुए साउथ में चलेगा और त्रिवेंद्रम से होते हुए ये चेन्नई, जो कि रॉयल एनफील्ड का एक हब है, वहाँ पर ख़त्म होगा। अच्छा, ये जो आपका टीम है पूरा ऑल वुमेन बाइक टीम, इसमें टोटल कितनी महिलाएं हैं जो इस एक्सपेडिशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं आपके साथ? जी, इसमें टोटल हमारी 36 राइडर हैं जो कि स्टार्टिंग टू फिनिश चलाएंगी बाइक। और इनका एज ग्रुप क्या है? मिनिमम एज जो है 25 साल है और मैक्सिमम एज जो है वो 40 ईयर्स। दैट्स गुड। अनुज, हम आपसे जानना चाहेंगे कि व्हाट बाइक दैट यू आर प्रोवाइडिंग फॉर दिस एक्सपेडिशन? सो वी आर प्रोवाइडिंग द क्लासिक 350। क्लासिक 350 वो मोटरसाइकिल है जिस पे हमने इन सबको, पूरे देश ने, पूरी राइडर्स टीम को 26 जनवरी को परफॉर्म करते हुए देखा है। सो उसी मोटरसाइकिल के साथ ये लोग कंफर्टेबल थे, वही मोटरसाइकिल ये अपनी बॉर्डर्स पे भी यूज़ करते हैं, अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, पूरा देश उनको 26 जनवरी को भी उसी मोटरसाइकिल पे देखता है, इसलिए सेम मोटरसाइकिल हमने इनको अरेंज करा के दिया टू डू दिस लॉन्ग राइड। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स अमेजिंग। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, आई जस्ट वांटेड टू नो लाइक इफ यू हैव एनी मैसेज जो आप बाहर दूसरी महिलाओं को देना चाहेंगे। हम मैसेज यही देंगे कि कोई भी लड़की है वो अगर अपने सपने को पूरा करना चाहती है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है उस पर डटे रहना, उसको छोड़ना नहीं। अगर आप उस लाइन में हैं, उस सपने को परस्यू कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन, हाँ बाधाएं और ये तो बहुत आएंगी, हमेशा कोई ना कोई हिंड्रेंस आएगी, कोई तंग करेगा, कोई नहीं करेगा, लेकिन आपको वो रास्ता नहीं छोड़ना है, आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है और उस रास्ते पर चलते रहना है। एट द एंड ऑफ द डे आप उस रास्ते को पे चलते हुए अपनी जो आपने मंजिल है उसको अचीव करेंगे, और अपने आप में विश्वास रखिए, मैं यही कहूँगी हर महिला को, और वो जो चाहे वो कर सकती है। तो इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू अनुज एंड हिमांशु, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस थिंग देन यू कैन पोस्ट इट डाउन इन आवर कॉमेंट सेक्शन। हम जल्द ही लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। फॉर द टाइम भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय हिटिंग द बेल आइकन, आप इसे शेयर भी कर सकते हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।